देश के कोने कोने में गौशाला खुलने के बाद भी सारे दिन हरे राम हरे कृष्ण का जाप करने वाले फेक हिंदू क्या अपनी गौ माता को बुचर खाने भेज रहे हैं? जिस देश ने गाय को माता का स्थान दिया आज वही देश 2024 में टॉप 5 बीफ एक्सपोर्टर्स में से एक है। पर सबसे शॉकिंग बात यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट के एक्स चीफ जस्टिस ने 2024 में एक स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया के 95% बीफ ट्रेडर हिंदू होते हैं। क्या वाकई में गाय को माँ समान समझने वाले हिंदुओं में से कुछ फेक हिंदू गाय का इतने लार्ज स्केल पर कत्ल कर रहे हैं? पर कड़वा सच यह है कि पैसों के लालच में गौ हत्या और स्मगलिंग कोई एक समुदाय नहीं बल्कि सारे समुदाय मिलकर कर रहे हैं। पर इतना सब क्यों और कैसे हो पा रहा है, चलिए जानते हैं। How the cow smuggling racket works across the country. A vehicle allegedly engaged in cattle smuggling was seized at Mangaraj Square on the outskirts of Bhubaneswar on Monday. कम ना हुई जी, बिल्कुल कम ना हुई, बढ़ गई है बल्कि। कोई एक कम्युनिटी इस बिजनेस में है, ऐसा नहीं है जी। मेरे कई जैन मित्र हैं जो इस व्यापार में है, इसको किसी कम्युनिटी से मत जोड़िए। सबसे पहले देश के कोने कोने में फैले डेयरी फार्म्स गाय माता को अपने फायदे के लिए निचोड़ रहे हैं। उनके मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उनको इंडिया में बैंड ऑक्सीटोक्सिन नामक हार्मोन को इंजेक्ट कर रहे हैं, जिनसे उनका प्रोडक्शन तो बढ़ जाता है लेकिन उनकी लाइफ स्पैन कम हो जाती है। और गाय के मरने के बाद भी उसका व्यापार किया जाता है। ये डेड काउ बिजनेस कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं बल्कि पूरे 1200 करोड़ का बिजनेस है। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार गुजरात का सौराष्ट्र इस पूरी इंडस्ट्री का हॉटस्पॉट है। गाय की डेथ होने के बाद उसकी बॉडी के लिए बिड लगने लगती है, बिड यानी नीलामी लगने लगती है। गाय की बॉडी से स्किन बोन मीट को सेपरेट किया जाता है और गाय की हर बॉडी पार्ट का व्यापार किया जाता है। स्किन को टेरिटरीज को बेचा जाता है जो पर हेड 800 की बिकती है, और अगर 7 गाय को पकड़े तो डेली का उनकी स्किन का बस 5000 से 6000 हो जाता है। फिर अगर बोन्स को देखे तो हर काउ से 10 kg बोन्स निकलते हैं जो 10 rupees पर केजी से बिकता है, यानी 7 काउस के हिसाब से 700 rupees हुआ। फिर अगर मीट को देखे तो फ्रेश कट मीट 40 rupees पर केजी बिकता है और ड्राइड मीट 100 rupees पर किलो बिकता है। इन टोटल डेड काउ से 7000 से 8000 डेली अर्न होता है। एक मृत गाय भी व्यापारियों को इतना फायदा पहुंचाती है, और डेयरी फार्म्स में जिंदा बची गायों की हालत भी कुछ खास नहीं है। वो दूध ज्यादा से ज्यादा दे सके इसलिए उन्हें उनके बछड़ों से दूर कर दिया जाता है। इस वजह से बछड़े कई बार मर भी जाते हैं। लेकिन इस वजह से गाय दूध देना ना बंद कर दे इसलिए डेयरी फार्म्स उस बछड़े की लाश में घास भरकर उसे एक पुतले की तरह उसकी माँ के सामने खड़ा कर देते हैं ताकि गाय दूध देती रहे। अगला मेन रीजन है मजबूरी में किसानों को गाय का बेचना। सूखा पड़ने पर गाय के चारे की कॉस्ट एकदम से बढ़ जाती है, जिसकी वजह से गाय का डेली का कॉस्ट 100 से 200 तक पहुंच जाता है। इसकी वजह से किसान गाय का मेंटेनेंस करने में सक्षम नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उसको कई बार लोन भी लेना पड़ता है, लेकिन लोन चुकाने के लिए उसको मजबूरी में गाय को गलत हाथों में भी बेचना पड़ जाता है। अगर हम एक सिटी की कैलकुलेशन करके देखें तो पिछले साल तेलंगाना के अकेले मेंढक डिस्ट्रिक्ट से 6 लाख गाय सूखा पड़ने की वजह से कर्जदार हुए किसानों को लोन चुकाने के लिए बेचनी पड़ी। बांग्लादेश की बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने के लिए इन गाय को एक लार्ज अमाउंट में स्मगल किया जाता है। देश भर में बेची गई गायों को बांग्लादेश के बॉर्डर तक पहुंचाया जाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार राजस्थान हरियाणा और पंजाब से हर साल लगभग 2 मिलियन से ज्यादा काउ स्मगल की जाती है। आपने कई बार न्यूज में भी सुना होगा कि गोरक्षकों ने गायों से भरे एक ट्रक को स्मगलर से बचाया और उन्हें गौशाला भी पहुंचाया। पर काफी बार स्मगलर्स प्रशासन और ऑफिसरों को ब्राइब करके बांग्लादेश के बॉर्डर तक इन गायों से भरे ट्रकों को पहुंचा देते हैं। वहाँ स्थानीय विलेजर्स और करप्ट पॉलिटिशियंस के साथ गायों को बॉर्डर क्रॉस तक करवा दिया जाता है। इस वजह से अफसोस हमारी गाय बांग्लादेश पहुँचा दी जाती है। पर क्या आपको पता है कि देश के अलग अलग राज्य में गौ हत्या के लिए अलग अलग कानून बनाए गए हैं? और टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहाँ गौ हत्या लीगल है। ये राज्य हैं केरला, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य, जो कि है अरुणाचल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम। आइए जानते हैं किन किन राज्यों में गौ हत्या के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने हाल ही में गौ हत्या निवारण के कानून में संशोधन करके 10 साल की सजा और 3 से 5 लाख का जुर्माना लगाया है। साथ ही साथ नॉर्थ इंडिया के कुछ स्टेट्स जैसे कि हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर में भी कड़े नियम बनाए गए हैं, जिनमें गौ हत्या करने वाले को 5 से 7 साल की सजा और 3 से 5 लाख तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। क्या आपको भी लगता है कि इन राज्यों की तरह पूरे देश भर में गौ हत्या के लिए कड़े नियम बनने चाहिए और बीफ को पूरे तरीके से बैन कर देना चाहिए? तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।